हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अनलिमिटेड स्टडी ज्ञान में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत की जो अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, उसके अंदर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज पश्चिमी घाट के बारे में संपूर्ण रूप से जान लिया था। लास्ट में हमने मालाबार तट पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि भारत के भूगोल के अंदर जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के ऊपर जो जितने भी राज्य स्थित है, कौन कौन से अपने जो चैनल हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मालाबार तट के बारे में एक खास बात रही थी जिसको मैं आपको बता दूं। मालाबार तट के ऊपर एक मोपला आंदोलन हुआ था जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, यानी मोपला आंदोलन ये मालाबार तट से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय यहाँ पर नील की खेती के लिए बाध्य किया गया था, तो वो आंदोलन था जिसका नाम था मोपला आंदोलन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अपने भारत के जो पूर्वी तट के ऊपर कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पूर्वी तट के ऊपर भारत के कितने चार राज्य हैं, जिसके अंदर से हमारे दो तट बनते हैं। तो कोरोमंडल तट है जो कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक है, और एक आगे का तट है जिसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, इन दो तट के बारे में हमने जाना था। तो आज हम जानते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें इसे, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूर्वी तट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्वी तट, इसके कितने भागों में बांटा गया। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर से एक है कोरोमंडल तट और एक है उत्तरी सरकार, यहाँ पर जिसे कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। तो पूर्वी तट को अन्य उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट के अंदर सबसे पहले आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की विशेषता ये है कि ये केरल जो नीचे नीचे राज्य अपना कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक ये फैला हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से दो मानसून आते हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम जो ग्रीष्म ऋतु में आता है, सबसे पहले वो प्रवेश करता है मालाबार तट के अंदर, ये हमने कल पिछले वीडियो में जाना था। एक है उत्तर पूर्वी जो शीत ऋतु में आता है, तो इसकी खास बात यह है कि ये कोरोमंडल तट पर ही वर्षा करता है, और एक ही राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, यानी जो हमारे भारत के अंदर जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है वो सिर्फ एक ही तट पर वर्षा करता है जिसका नाम है कोरोमंडल तट। और राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून भारत के एकमात्र राज्य तमिलनाडु के अंदर ही वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ये पूर्वी तट की महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद आगे जैसे हम पढ़ेंगे और भी भौतिक स्वरूप उसके अंदर इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में, थोड़ा कम लिखा हुआ है, कम बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जैसे ही भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उसके अंदर हम आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार जिसको दूसरा नाम दिया गया है पूर्वी तट, पूर्वी तट के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम से महानदी के मुहाने तक ये फैला हुआ है, इसकी कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ये बस इसका नाम यही याद रखना है कि पूर्वी तट का एक अन्य नाम है जिसका नाम है उत्तरी सरकार। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं भारत के प्रमुख चैनल, यानी भारत के जो प्रमुख चैनल है उनके बारे में हम जानेंगे अब। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख चैनल है उसके अंदर पहले आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, यानी इसको कह सकते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जो दक्षिण के अंदर जो पूर्वी साइड के अंदर जो अपने अंडमान और निकोबार अपना द्वीप समूह है उसे अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप से मिनकाई को अलग करता है, जो एक तरफ केरल वाली साइड में अंदर जो लक्षद्वीप और मिनिकाई है उनको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकाई और मालदीप को अलग करता है। तो ये चैनल थे महत्वपूर्ण, तीन चैनल हैं, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद आता है अपने कोको स्टेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोको स्टेट क्या है, कोको स्टेट है वो है म्यांमार का भाग है। ठीक है, कोको द्वीप है एक छोटा सा, वो किस देश का भाग है, म्यांमार का भाग है, और एक अपने अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, यानी लैंडफॉल द्वीप का जो है अपना अंडमान निकोबार का भाग है, और जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का भाग है। इन दोनों द्वीपों को जो अलग करता है उसे कोको स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से प्रश्न माने तो हम ये भी बनता है कि भारत में म्यांमार को अलग कौन करता है, तो कोको स्टेट अलग करता है, भारत में म्यांमार को अलग कोको स्टेट करता है, यानी ये कोको द्वीप है जो म्यांमार का भाग है और लैंडफॉल द्वीप है जो अपने अंडमान निकोबार का भाग है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ग्रैंड चैनल जो ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया, यानी एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि इंडोनेशिया से जो अलग करता है वो कौन सा चैनल है, उसका नाम देंगे हम ग्रैंड चैनल। ठीक है, यानी जो इंडोनेशिया से अलग करता है उसका नाम है ग्रैंड चैनल।
यंग जैप दरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण दरें हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर जब बात करेंगे दर्रों की, प्रमुख दर्रों की, तो उसके अंदर बताएंगे। आगे पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, कहीं जगह 3330 किलोमीटर मिलती है, कई जगह 3310 किलोमीटर मिलती है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसको एक रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा स्थित है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण जो खास बात है वो ये है कि विश्व की एकमात्र रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसे पेन से निर्धारित किया गया था, यानी जिसको पेन से निकाल कर इसे निर्धारित किया गया था। बाकी जितने भी कोई देश के मध्य जो रेखा है वो या तो कोई खाड़ी अलग करती है, या फिर कोई घाटी अलग करती है, या फिर कोई पर्वत अलग करता है, या कोई नदी अलग करती है, लेकिन रेड क्लिफ रेखा को सिर्फ पेन से माध्यम से निकाला गया था। ठीक है, यानी 1947 के अंदर माउंट, उस समय जो रेड क्लिफ रेखा थी वो सर मैकमो रेड क्लिफ ने बनाई थी। उस समय वो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सीमा पर जो अपने राज्य है वो है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, ये 4 राज्य स्थित है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाते हैं, अगर ट्रिक में माने तो पंगू राज, यानी पैसे पंजाब आ गया, गु से गुजरात आ गया, राज से राजस्थान हो गया, और जय से जम्मू कश्मीर आ गया, यानी पंगू राज। पाकिस्तान के अंदर कैसा राज है? पंगू राज। पंगू का अर्थ होता है विकलांग राज। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर है। इसके ऊपर स्थित जो राज्य है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्य स्थित है नेपाल की सीमा के ऊपर। जो नेपाल के अंदर सबसे हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पर स्थित है। वो हम हिमालय का जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे भारत के, उसके अंदर हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सारी बातें जान लेंगे। उसके आगे आता है भूटान। भूटान को जैसे एक ट्रिक माने तो साफ हो गया, जैसे इसके जो सीमा पर जो भूटान के साथ जो अपने राज्य लगती हैं भारत के, तो वो आते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, यानी साब, यानी जिलेपला दर्रा है वो भारत और भूटान जाने का रास्ता, यानी जिलेपला दर्रा है वो कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। तो भारत से भूटान जाने का रास्ता है वो कौन सी दर्रा है? जिलेपला दर्रा। ये याद रखना कि भारत से भूटान जाने का रास्ता कौन सी दर्रा से है, तो जिलेपला दर्रा है। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है अपनी 1643 किलोमीटर लगती है। उसके अंदर जो अपने राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इनको याद रखें तो अरुणावा में अपना ट्रिक है एक, यानी जो म्यांमार से जो खास बात है, एक तो तुंजुद्रा है मणिपुर के अंदर से, वो भारत है म्यांमार को जोड़ता है। यहाँ पर करंट की बात करें तो यहाँ पर भारत है म्यांमार की संयुक्त सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था म्यांमार के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आतंकवादी नक्सलवादी क्षेत्र है वहाँ पर, ये ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑल आउट। से याद रख लेंगे अरुणावा में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर तुंजुद्रा, ये याद रखने वाली बात थी। उसके बाद आता है अफगानिस्तान, जिससे सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 106 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगती है अपनी। ठीक है, इसके ऊपर ये ड्रुंड रेखा, ये ड्रुंड रेखा अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, इस रेखा का निर्धारण सर मोर्टिमर ड्रुंड ने किया था 1886 के अंदर। ये बात है, यानी अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो POK एरिया से लगती है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर से। संपूर्ण से अगर भूमि से बात करें तो भारत से नहीं लगती है इसकी। इनका मैंने ट्रिक आपको बताई दी है बचपन में MBA, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। इनके अंदर याद रखने वाले प्रश्न यही है कि एक तो हो गया तुंजुद्रा किस राज्य के मध्य है, यानी किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर। तुंजुद्रा यानी किन दो देशों को जोड़ती है, तो भारत है म्यांमार को तुंजुद्रा जोड़ती है। और करंट की बात करें तो यहाँ पर भारत है म्यांमार की संयुक्त सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आगे वाले वीडियो में जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी विद्यार्थी के अंदर कुछ जानकारी ज़्यादा लेना चाहता है वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हाँ, जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए वो कमेंट के अंदर अपने नंबर दे दें, उनको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी सभी विषयों की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।